तो भाई दिल्ली वालों जो देख रहे हैं ढेर सारा प्यार देना। तो भाई यहाँ से राइट चले जाओ तो रोहतांग, काजा और सुंदो, और लेफ्ट चले जाओ तो लेह, कारगिल और श्रीनगर। दिस इज द पार्ट ऑफ लद्दाख जर्नी जो सबसे ज्यादा फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, सुपर्ब, अमेजिंग, एपिक सब कुछ होने वाली है। भाई अपने साथ अभी काफी सारे ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो काफी सारे दिल्ली से हैं, सरप्राइजिंगली, पर दिल्ली से लगते ही हैं। तो भाई गुड मॉर्निंग है सभी को, ऑल द वे फ्रॉम मंडी, दैट इज हिमाचल, और नहा धो के तैयार हो गया, बट फिलहाल नीचे आए तो क्या देखा है, बारिश हो रही है भाई जी, एक मिनट। और यहाँ से मैं निकलना था किधर को, आज हम जा रहे थे मनाली और आगे केलोंग, सब पता नहीं आगे का रास्ता कैसा रहता है, बट फिलहाल नीचे हैं जिम्मी बाजी का कैरियर लगाने, क्योंकि आज संडे है और ये हमें ध्यान नहीं रहा था, और आसपास के जितने मैकेनिक्स हैं सब अभी ना बंद है और सुबह के 8 बज रहे हैं, तो जल्दी से एक बार ये लगाते हैं, थोड़ा सा आधा एक घंटा लग सकता है इसमें। तो भाई एक बंदे के पास गए, दुकान बंद किया था, भैया सोने दो हमें, हम 10 बजे उठेंगे, उसके बाद आपकी देखते हैं 10:30-11 बजे तक। बट फिलहाल ये मेरे पीछे एक मैकेनिक की शॉप है, मैकेनिक पता नहीं इतनी देर से गया है, मैं क्या खुद ही चाबी लेके कर देता, और 2 मिनट नहीं लगे, 2 चाबियाँ लिया और जिम्मी भाई ने खुलवा दिया। ये देखो अब यहाँ से ये वाला पेज खोल दिया, हम ये वाला खोल रहे हैं, इसके बाद कैरियर फिट हो जाएगा, उस साइड भी यही करना है, फिर उसके बाद कैरियर लगाते हैं। तो भाई 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे से लगे पड़े हैं, या मतलब आज संडे का दिन है और सारे मैकेनिक्स ने मना कर दिया हम काम नहीं करेंगे, बट फिलहाल हमें अर्जुन भाई मिले हैं, और कोई भी अगर मंडी आ रहा हो और मंडी में अगर आपको लद्दाख के आगे लगाना है, कोई भी बाइक से रिलेटेड काम कराना है, तो भाई ये दुकान का नाम देख लो, ये है लाल सिंह डेंटिंग पेंटिंग एंड गैस वेल्डिंग। तो भाई इतनी मुशक्कत के बाद अर्जुन भाई ने फाइनली लद्दाख कैरियर लगा दिया है, और जो अपनी स्टैंडर्ड है ये भी लग रही है अब टूर रेडी। तो भाई 2 घंटे सुबह जिम्मी बाजी की बाइक पे लद्दाख कैरियर लगाना, और अभी 1.25 घंटा इतना सारा सामान बांधना, उनका लद्दाख कैरियर लग गया तो थोड़ा सा ईज आउट हो गई है चीज़ें, बट थकान इतनी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, और थकान के बाद जो पसीने आ रहे हैं ना, सुबह बारिश हो रही थी, मौसम बहुत बढ़िया था, और अब इतनी ज़्यादा गर्मी है, कांट इवन टेल यू, बट फिलहाल निकल रहे हैं, जैसी हवा लगेगी तो पसीना सूख जाएगा। तो भाई मैंने डलवा दिया था कल रोपड़ से 1000 रुपये का पेट्रोल इंडियन ऑयल से, और अभी जिम्मी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, सो एक HP में, और जो इधर आ रहे हैं जो थोड़ा फन फुन भी करना चाहते हैं, भाई जो होटल्स हैं आपको डिसेंट रूम मिल जाएगा 500-600-700 रुपये तक का। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हम लद्दाख पहुँचेंगे वहाँ पर कितना ज़्यादा एडवेंचरस होगा, और फिलहाल हम लोगों ने कर लिया ब्रेकफास्ट, खाए थे 2-2 परांठे और पी थी बहुत शानदार सी चाय। ओह भाई अभी तो बाइक गिरते गिरते बची थी मेरी, एंड बाइक इज अगेन, क्या बात है, ये होता है फील। भाई अब लग रहा है हमारा जो एडवेंचर है शुरू होता हुआ, साइड में जा रही है सतलुज रिवर और हम कर रहे हैं मनाली हाईवे क्रॉस। तो ये देखो ये बाहर से ऐसे लोग आते हैं और ऐसे गन डालते हैं, क्या ही बोला जाए भाई, क्या ही बोला जाए, शराबें भी चल रही हैं, नहाना धोना भी चल रहा है, बीच सड़क में खड़े होके बताओ यार, मेरे को तो ऐसे लगता है लोगों की जो अक्कल है ना घास चरने चली जाती है, जैसे वो पहाड़ों में आता है ना उनको लगता है पता नहीं कहाँ आ गया, जो मन कर रहा है वो करता रहा। अरे भाई तुम्हारा घर कोई ऐसे गंदा करेगा, कूड़ा कबाड़ा डालेगा, शराब पिएगा खुलेआम, ऐसे अच्छा लगेगा क्या है भाई जी? अच्छा थैंक, आज क्या कुछ है आज? अरे बहुत बढ़िया। तो जी खीर गरम गरम खीर के आज मज़े लेते हैं, सावन की वजह से खीर सबको खिलाई जाती है और खानी भी चाहिए एक बार, तो खीर ख़त्म करते हैं और चलते हैं आगे। तो भाई मनाली हाईवे जो मेन मनाली हाईवे है बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम है इधर आ रहा हूँ, बाकी दोनों टाइम जब मैं आया हूँ वो दूसरे रूट से गया हूँ,
अगर आप मनाली आ रहे हो, थोड़े से पैचेस आपको ख़राब ज़रूर पड़ेंगे, बट यार ये इतना बेहतरीन हाईवे है ना, डैम, लेक्स, रिवर्स, सब कुछ आपको दिखता है ऊपर यहाँ पे। देखिए ये देखो लैंडस्लाइड कितनी हुई है, वो देखो पूरा लैंडस्लाइड लैंड, ये देखो कि लैंडस्लाइड से भरा हुआ है। अरे भाई भाई भाई, ढेर सारी लैंडस्लाइड, दौड़े पहाड़, फील दे देते हैं, फील समझ आ रही है आपको, फील दे देते हैं यार। और ये साइड में सतलुज नदी, क्या बताऊँ, मेरा तो यार डुबकी लगाने का मन कर रहा है दोबारा, बट अनफॉर्चुनेटली उतना टाइम नहीं है क्योंकि अभी मनाली पहुँचने के बाद आगे शायद मैं निकलूँगा सीसू और फिर केलोंग के लिए, तो एक बार देखते हैं सीन कैसा बनता है। बट फिलहाल भाई लोग अभी आप इंजॉय करो बढ़िया बढ़िया नज़ारे। तो गाइस बैक अगेन टू हॉगवर्ट्स वाली जो टनल अपनी थी, और आज उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पे आज ठंड मिलेगी, बट ये ठंडा बिल्कुल नहीं है आज, गर्मी पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा लग गई। और सुबह से थोड़ा सा लो, मतलब वो ना लो साइड चल रहा है, हम दोनों कल राइड थोड़ी लंबी खींची थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हसीन नज़ारा देखो, इतना ज़्यादा शानदार है। मैंने और जिम्मी पाजी ने रुक के ढेर सारे यहाँ पे फोटोग्राफ्स लिए हैं, रील्स बनाई हैं, जो आपको मिलेंगी हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे, मेरी है with_msk, तो इंस्टाग्राम चेकआउट करना मत भूलना। और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो जाके, सेक्सी और बहुत बढ़िया कंटेंट आने वाला है। अभी यहाँ से सीधा निकलते हैं, बाइक का थोड़ा हालत ऐसी हुई है, कीचड़, टोपियाँ, क्रॉक्स, उसके बाद केनिया, बट दिस इज द पार्ट ऑफ लद्दाख जर्नी जो सबसे ज़्यादा फैंटास्टिक, ब्यूटिफुल, सुपर्ब, अमेजिंग, एपिक, सब कुछ होने वाली है। तो बने रहना हमारे साथ और देखना हमारा अमेजिंग सा कंटेंट। फिलहाल अभी निकलते हैं और चलते हैं सीधा मनाली की तरफ। भूख लगी हो ना? ठंडी लगी है थोड़ा बहुत तो भाई, मैं तो फ्रूटी या थोड़ा कोक वगैरह जरूर लूँगा, मेरी बॉडी की थोड़ी रिक्वायरमेंट अजीब ही होती है। बट फिलहाल चलते हैं, पेट पूजा करते हैं और उसके बाद आगे कोशिश ये करेंगे कि अभी चलें सीसू, और अगर सीसू पहुँच जाते हैं तो उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम पहुँचे आज केलोंग, और कोशिश उसके बाद एक और होगी कि हम वहाँ जाके क्या करें, कैंपिंग। तो वहाँ चलते हैं सीधा और देते हैं आपको बाकी के अपडेट्स। मनाली है, मनाली अभी भी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। फिलहाल मेरे को लगा यार बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, और सिंस सुबह से ही हमारा जो डे है वो लो चल रहा है, तो थोड़ा सा बैठ के हमारा रिफ्रेशमेंट लिया जाए, तो गन्ने का जूस लिया है अभी। और सामने देखो ये सतलुज रिवर, तो काफ़ी लोग आएंगे यहाँ पे, बियर वियर पीना पसंद करेंगे, थोड़ा भोले बाबा को भी याद करेंगे, बट हमारा कुछ ऐसा सीन नहीं है, हम लोग चाय या गन्ने से इन्जॉय कर रहे हैं। फिलहाल ये देखो भाई पीछे 360 और रील्स बनाई जा रहा है, तो क्यों फन आ रहे हैं पूरा है? रास्ते में रुक गए, कोई पिक्चर वगैरह ले ली, खाने पीने लग गए, तो भाई नज़ारे पूरे आ रहे हैं। और आगे पहुंचते हैं, शायद एक मेरी कॉलेज फ्रेंड भी है जो हिमाचल पहुंची हुई है मनाली, और अभी सीसू वगैरह वो भी घूम रही है, तो आई थिंक उसको भी मिलना पड़ेगा अभी बीच में, तो अभी प्लान तो बनाया है, फ़ोन पे बात वगैरह हो गई है। भाई अपने साथ अभी काफ़ी सारे ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो काफ़ी सारे दिल्ली से हैं सरप्राइजिंगली, पर दिल्ली से लगते ही है ठीक है। तो भाई दिल्ली वालों जो देख रहे हैं ढेर सारा प्यार देना। ये फिलहाल भाई लोग जा रहे हैं यहाँ से कसौल, और वहाँ से शायद हो सके इनका बुलाना, तो ये भाई पूरा फन ट्रिप ले रहे हैं, क्यों हालत सबकी बता। तो भाई चलते हैं अब सीधा, बाकी के देते हैं अपडेट बाद में। और वेदर काफ़ी गर्म हुआ हुआ, इतना ज़्यादा आज एक्सपेक्टेड नहीं था, बट कोशिश ये है कि आज केलोंग पहुंचा जाए। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अभी भुंतर में, और भुंतर से आप ये राइट ले लो, ये जो छोटा सा नारो पैच है, तो यहाँ से आ जाता है कसौल और मणिकरण साहिब, और यहाँ से अगर आप सीधा चले जाते हो ये ब्रिज लेके, तो आ जाता है मनाली, एंड दैट इज़ आर डेस्टिनेशन फॉर टुडे एटलीस्ट। तो मनाली है सिर्फ 40 किलोमीटर और केलोंग है 110। तो भाई मेरे आगे जो ये टेक अवे चल रहा है, बेसिकली ये जो टेम्पो ट्रैवलर चल रहा है, तो ये भाई ने सिद्धू मूसे वाले को श्रद्धांजलि देते हुए उसका
उसकी फोटो लगाई और उसके गाने के एक लिरिक्स लिखे हैं, लेजेंड्स नेवर डाई। अटल टनल रोहतांग को क्रॉस कर दिया, पूरा भीग कर आए ऑपोजिट साइड से, और यहाँ बारिश का नामो निशान ही नहीं है। GoPro मतलब एक्स्ट्रा बैटरी हमारा 360 सब कुछ अंदर रख दिया था और पूरे भीग चुके हैं, बूट्स कपड़े मतलब यहाँ तक कि अच्छे भीग चुके हैं, मतलब इतना बुरा हाल है। बट नेवर्थलेस आई थिंक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आर जर्नी, इट्स रियली फन। और फिलहाल मैं कर देता हूँ अपना GoPro अपने हेलमेट पे माउंट, और यहाँ से आई थिंक जो हमने रूम कराए इट्स ऑन द राइट टूवर्ड्स स्पिति, तो ज़्यादा दूर नहीं है, बट रूम भी ऐसी जगह है जहाँ पे नज़ारे ही नज़ारे हैं। तो वेट करो और देखो आगे क्या अपडेट। तो भाई कोई अटल टनल की तरफ आ रहे हैं, तो ये भाई लोग सारे मेहनत करते हैं, चाय बेचते हैं, तो सिर्फ 20 रुपये की चाय है, तो प्लीज़ ले लेना, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो एक भाई को भी देता है, ये लो बात कर देना, ठीक है, तू भी खुश रहे, हम भी गर्म हो जाएंगे। चल नाम क्या तेरा, हाँ प्रदीप, कहाँ का रहने वाला है, हाँ गया से इधर चाय बेचने आ रहे हैं, हाँ अच्छा, और ये एक्स्ट्रा कमा लेते हो, हाँ अच्छा। तो भाई यहाँ से राइट चले जाओ तो रोहतांग, काजा और सुमदो, और लेफ्ट चले जाओ तो ले, कारगिल और श्रीनगर, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स। तो हमने यहाँ से फिलहाल लेफ्ट जाना है। अभी तक जो जितने मैंने घर देखे हैं, जितने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज देखी हैं, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज और सबसे ज़्यादा एडवेंचरस। अगर आप ले की तरफ जा रहे हो और अगर आपको सीसू के आसपास जगह चाहिए रहने की, दिस प्लेस इज़ मैनेज बाय वेरी ब्यूटीफुल कपल, बहुत अच्छे हैं, और सर तो इतने ही अच्छे हैं, मेरे साथ नाना करके भी घंटा रहते हैं। तो पूरी हंसी मजाक किया सर ने मेरे साथ। वेदर के साथ साथ बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ की लोकेशन, बहुत अच्छा है, एक बार अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। बट फिलहाल सामान भी थोड़ा सा उतार लें, बट भाई ये जो जगह है ना, तैयार हो गया ऑनेस्टली। एंड जो ये कपल है जो मैनेज कर रहा है, मिस्टर ताशी, वेरी जेंटलमैन पर्सनैलिटी, इन्होंने इतना सपोर्ट किया है, एक घंटे से मेरे साथ कॉल पे थे एंड ही इज़ बीन सपोर्टिंग मी, कहते हैं नहीं नहीं बेटा इधर नहीं, इधर नहीं, उधर, और पूरा हंसी मजाक करते आ रहे हैं। फिलहाल अब अंदर चलते हैं, धीरोवर की बातें हो गई हैं, भीग चुके हैं, अंदर जाते हैं, आग वाग सेकते हैं, खाना खाते हैं, और उसके बाद आपको देते हैं बाकी के अपडेट। तो भाई पहुँच गए थे, और ये देखो कितना बढ़िया घर बनाया अंकल ने, मज़ा आ गया है। फिलहाल अभी खाने लगे हैं खाना, और स्पेशली आंटी ने हमारे लिए बनाया गरम गरम खाना, और सामने देखो सामने लगा हुआ था बुखारा, वहाँ पे आग जल रही थी जब हम आए थे, और ये सर का है ड्राइंग रूम और लिविंग रूम। तो भाई इतने अच्छे से, इतने अच्छी इनकी हॉस्पिटैलिटी है, और अब गरम गरम ताज़ा खाना परोस रहे हैं, बिल्कुल माँ के जैसे, मम्मी आप नहीं हो तो आंटी ज़रूर है इधर हमारा ध्यान रखने के लिए। भाई मैं भी थोड़ा लीचड़ की तरह बिहेव कर सकता हूँ, बट आंटी ने खाना देखो कितना स्वाद बनाया सर, एकदम घर वाली फीलिंग आ रही है पूरी, क्यों बिल्कुल 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 स्वाद भी वैसा। मम्मी आप टेंशन मत लेना, बढ़िया खाना खा रही हैं। केड़ी वाली मम्मी, पहली डोजी सोने मम्मी। तो जिम्मी भाई भी भाई फुल मौज लेते हुए, क्यों क्या लग रहा है यार, ऐ लग रहा है जिवें आपां घर ही बैठे हैं यार, घर वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल, कोई बिल्कुल भी कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत फन कर रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पे जो ठंड का हिसाब किताब है वो ज़्यादा हो गया है, क्यों अब ना, अब वो कम कभी सी होती है ना, जैसे थोड़ा बंदा काम जाता है ठंड से, अब वो लग रही है, तो अब थोड़ा ऊपर जाएंगे और ऊपर स्वेटशर्ट वगैरह पहनेंगे, फिर अभी सोने के लिए जाएंगे। एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, बहुत मेहनत लगी है, खून पसीना एक हो रहा है यार, तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके ये भी बताओ आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है इस लद्दाख सीरीज़ में, और जो पिछली वीडियो आई थी उसमें प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, फिलहाल अभी हम रुके हैं सीसू में, होपफुली हमारा अगला स्टॉप जो है होना चाहिए सरचू,
अगर हम टाइम से पहुंच जाते हैं तो बाकी देखते हैं आगे किस हिसाब से वेदर के हिसाब से क्या हमारा प्लान बनता है। तो मिलते हैं आपसे फिर दूसरी वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू माय लवली फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।